In this language, L is given A to power N, B to power M. Now in this you can say here, and Lm is greater than 1, means minimum value of N or M what? If I keep here, N value is 1 and M value is also 1, then the second condition will not satisfy. What the second condition? कि n must be greater than m. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें n की वैल्यू, अगर m की वैल्यू मैंने 1 ली है तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2, कम से कम 2 तो होनी ही चाहिए. नेक्स्ट इसी तरह से अगर मैंने यहाँ पर लिया तो हम यहाँ पे a cube b भी ले सकते हैं, a cube b square भी ले सकते हैं, because this n is greater than m and similarly 3 is greater than b की power 1. तो at least b a and b के बीच में 1 का डिफरेंस जरूर होना चाहिए. दैट मींस ए स्क्वायर बी, ए क्यूब बी, सिमिलरली यू कैन से ए की पावर 4 बी 3 एंड सो ऑन. वी कैन टेक हियर सो मेनी स्ट्रिंग्स. नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल हियर. लेट्स टेक, इफ आई टेक हियर w इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर, बिकॉज फॉर दिस लैंग्वेज द स्ट्रिंग मस्ट बी लाइक दैट. आई मीन ए मस्ट बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ बीस. और इन दिस द सेकेंड क्वेश्चन इज वॉट हियर, ए फॉलोड बाई बी. इसका मतलब क्या है कि ए जो है बी से बड़ा होगा क्वांटिटी में. अगर यहाँ 3 बार आ रहा है तो बी यहाँ पे 2 बार होगा. बी 3 टाइम्स नहीं हो सकता, ना ही बी ए से बड़ा हो सकता है बिकॉज ऑफ द कंडीशन. तो अगर हमारे पास ये है तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे एक कंटेनर लूँ और कंटेनर में जो स्टैक है हमारा, उस स्टैक में अगर इनिशली जो है यहाँ पर जेड जीरो है, तो फॉर दिस स्ट्रिंग हमें क्या करना होगा, लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन आई टोल्ड दैट इज अ, सबसे पहले हम ए को पुश करेंगे. हमें यहाँ पे क्या करना है, ए के जैसे ही हमें बी मिलेगा उसको हम ए को पॉप करेंगे. तो सबसे पहले जितने भी ए आए मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया. पहले ए ने जेड जीरो को देखा तो वो इंसर्ट हो गया, फिर इस ए को इस ए ने देखा तो ये इंसर्ट हो रहा है. आई मीन जितने भी ए मिले, फर्स्ट ए इज कमिंग, देन हमने यहाँ पे पुश कर दिया या इंसर्ट कर दिया इस कंटेनर में. अब हम क्या करें, बी को देखें, तो दैट मीन्स ए ए बी बी. तो ए तो इंसर्ट हो चुके हैं तीनों. अब हमें क्या करना है, हमने फर्स्ट बी को रीड किया, जैसे हमने बी को रीड किया हमने ए को यहाँ से कट कर दिया. आई मीन दिस बी इज इक्विवेलेंट टू दिस ए. नाउ नेक्स्ट बी अगर हमने यहाँ पे रीड किया तो इस बी के इक्विवेलेंट हम अंदर देखेंगे क्या कोई ए एग्जिस्ट कर रहा है. यस ये है, तो मैंने इसे कट कर दिया. अब नेक्स्ट स्ट्रिंग में कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, एप्साइलेंट बचा. अगर एप्साइलेंट दैट मीन्स नल स्ट्रिंग तो होगा ही. तो ये अगर यहाँ पे स्ट्रिंग में नल और कंटेनर में हमारा ए है, आई मीन इससे ये पता चल रहा है कि ए जितने बी थे उतने तो ए हमने कट कर दिए, बट स्टिल ए इज हियर इक्विवेलेंट टू दिस एप्सिलॉन. इसका मतलब है ए की जो क्वांटिटी है वो बी से बड़ी है. फॉर दिस हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम फॉर द पीडीए, तो लेट्स टेक द क्यू नॉट. क्यू नॉट इज अवर इनिशियल स्टेट. अगर क्यू नॉट को हमने क्या दिया यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम जो स्ट्रिंग से क्या ले रहे हैं, यहाँ पर ए ए बी बी हमने लिया. तो अगर हमने सबसे पहले ए देखा, आई मीन क्यू नॉट ने किसे देखा, स्ट्रिंग में ए है एंड स्टैक सिंबल उस टाइम क्या है हमारे पास, जेड नॉट है. तो अगर हमारे पास जेड नॉट था स्टैक में, आई मीन इनिशियली कंटेनर में क्या है हमारे पास, जेड नॉट है. अब यहाँ पर कंटेनर में तो जेड नॉट है, बट स्ट्रिंग पहला कैरेक्टर किसे रीड कर रहा है, ए को. स्ट्रिंग ए है बट कंटेनर जेड नॉट है, तो हम इस ए को क्या करना चाहते हैं, पुश करना चाहते हैं. इसका मतलब स्टैक सिंबल अब क्या हो जाएगा, ए जेड जीरो, यानी नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ गया इस कंटेनर में, ए आ गया ना. तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप हमारा. अब यहाँ पर मैंने इसे यहाँ पर लूप पे डाल दिया. नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद यहाँ पे क्या है, स्टैक में हमारा टॉप ऑफ द एलिमेंट क्या है, ए है. और नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर है वो अगला कैरेक्टर क्या है, ए है. यानी कि स्ट्रिंग का ए अगर स्टैक में देखा, यहाँ पर स्टैक में अगर आप देखें तो टॉप ऑफ द एलिमेंट क्या, ए. यानी स्टैक ए है, स्ट्रिंग का भी ए है. तो हम क्या चाहते हैं, अगर ए ने ए को देखा तो हमें क्या करना है, अगेन पुश किया है. हमारा जो लॉजिक है इस क्वेश्चन का वो है कि ए ने अगर ए को देखा तो अगेन पुश, यानी कि स्टैक पहले से ए था, आई मीन टॉप ऑफ द एलिमेंट, और नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ गया, ए. तो इसलिए तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो न्यू स्टैक सिंबल होगा वो डबल ए लिखेंगे. टॉप टू एलिमेंट्स हमेशा यहाँ पे लिखा जाता है. नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, अब ये लूप पे मैंने डाला है, यानी अब नेक्स्ट क्या है, फिर से ए है स्टैक का सिंबल, नेक्स्ट हमारा ए है, तो ए ने ए को देखा तो सेम यही कंडीशन आएगी. तो आई एम नॉट गोइंग टू राइट वंस अगेन. तो ये लूप का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स दिस स्टेटमेंट कैन एग्जीक्यूट.
अब क्या है, मान लीजिए मैंने आप तीनों एक को यहाँ पे डाल दिया, अब क्या है अगला कैरेक्टर आप क्या रीड करोगे, बी। जैसे ही स्ट्रिंग का जो सिंबल है हमारा यहाँ पर स्ट्रिंग बी है, स्ट्रिंग का जो नेक्स्ट कैरेक्टर है बी है, बट स्टैक का सिंबल क्या है, टॉप ऑफ द एलिमेंट क्या है हमारा, ए है। बी ने जब ए को देखा तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, उसे हम पॉप करेंगे, यानी कि ए को हम रिमूव करेंगे। पॉप के लिए मैंने आपको बताया था क्या करेंगे, एप्सिलॉन। इससे ये पता चलता है जब बी ने यहाँ से, एक बी ने इस ए को यहाँ से पॉप कर दिया, आई मीन रिमूव कर दिया, स्टैक को खाली कर दिया, सिंगल एलिमेंट खाली होगा एक बार में, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये स्टेटमेंट डाल दिया कि बी के इक्वलेंट ए को हमने पॉप कर दिया। तो हमारा नेक्स्ट स्टेट मान लीजिए क्यू वन है। नाउ अब केवल ए की ए तो रिमूव नहीं करना, नेक्स्ट हमारा फिर से बी मिला, बी ने फिर से क्या देखा, ए को देखा, तो इस बी के इक्वलेंट अगेन ए रिमूव होगा, तो यहाँ पर हमने इसे लूप डाल दिया। लेट्स टेक अगर बहुत बड़ी स्ट्रिंग हुई तब यहाँ पे क्या करना होगा, तो वो हमें यहाँ पर लूप पे डालना होगा। नेक्स्ट हमने क्या लिया, बी ए एंड देन अगेन इट इज पॉप, यानी कि हमने इसे लूप पे डाल दिया क्यूमन पे। अब कितने भी बी आए वो ए को रिमूव करता रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर ये वाला ए भी इस स्ट्रिंग के लिए रिमूव, इस बी के लिए ये ए कट गया। तो अब देखिए स्टैक में लास्ट एलिमेंट क्या बचा है, आई मीन टॉप ऑफ द एलिमेंट क्या है हमारे पास, ए, और उससे नीचे जेड जीरो है। बट अब यहाँ पर हमारी स्ट्रिंग में क्या बचा है, एप्सिलॉन, आई मीन देयर इज अ नो बी लेफ्ट हियर। तो अब हम नेक्स्ट यहाँ पे क्या देखें, क्यू वन ने क्या देखा, स्ट्रिंग हमारी एप्सिलॉन है लेकिन स्टैक का टॉप ऑफ द एलिमेंट क्या है, ए है। तो हमें क्या है यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये बता रहा है कि ये जो ए है, अब यहाँ पे देखिए बी खत्म हो चुका है, इसका मतलब है ये जो ए है इट रिप्रेजेंट्स कि ए नंबर ऑफ एज इज ग्रेटर देन द बी, क्योंकि बी तो फिनिश हो चुका है बट ए लेफ्ट है, इससे ये पता चल रहा है कि ए की जो क्वांटिटी है वो बी की क्वांटिटी से ज्यादा है। तो वी कैन रिमूव दिस और वी कैन लीव दैट एज इट इज, कि हम यहाँ पर ए को ए रहने दें या हम इन्हें यहाँ पे इसे भी रिमूव कर दिया। आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, आइदर यू कैन दिस राइट दिस और यू कैन राइट लाइक दैट कि ए को हमने ए ही रहने दिया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस वन इज द एक्स्ट्रा ए विच इज अवेलेबल इन द कंटेनर। तो और दूसरी चीज क्या, एक्स्ट्रा ए विच इज अवेलेबल इन द कंटेनर, और यू कैन से कि बी के फिनिश होने के बाद ए के है, तो इससे ये पता चल रहा है कि जो ए की क्वांटिटी है वो बी की क्वांटिटी से ज्यादा है। एंड नाउ लेट्स टेक दिस इज द क्यू टू स्टेट, एंड क्यू टू हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल स्टेट हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद हमें बस यही तो प्रूफ करना था कि नंबर ऑफ ए जो होने चाहिए बी से बड़ा होने चाहिए। तो दिस वन इज द फाइनल स्टेट हियर, और यू कैन से यहाँ पे ए ए भी आप, आई मीन ए को आपने अनचेंज्ड, ये आपने लिख दिया कि अनचेंज्ड है, आप चाहे इस वाले स्टेटमेंट को लिखे चाहे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने उस ए को भी रिमूव कर दिया जो एक्स्ट्रा ए था, एप्सिलॉन ने देखा। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक बात को यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अगर मैं इसका यहाँ पर वो लिखूँ, ट्रांजिशन लिखूँ, तो क्या क्या ट्रांजिशन होंगे, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था, जैसे जैसे आपने चला है वैसे वैसे आप लिख लीजिए कि डेल क्यू नॉट ने किसको देखा, स्ट्रिंग ए है, स्टैक का सिंबल जेड जीरो है, तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा था, नेक्स्ट अगेन क्यू नॉट एंड स्टैक सिंबल ए जेड जीरो हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, दैट इज अ क्यू नॉट ने जब ए देखा और स्टैक के अंदर ए था, आई मीन दिस इज द सेकेंड वन, तो ये क्या हो रहा था, क्यू नॉट को क्यू नॉट एंड देन दिस इज द डबल ए। द थर्ड स्टेप आपने क्या किया कि जब बी ने स्टैक में ए को देखा तो हमने यहाँ पे क्या किया, आई मीन स्टेट क्या है हमारा, क्यू नॉट देन बी एंड देन ए, तो ये क्या कर रहा है, पॉप कर रहा है और क्यूमन स्टेट पे जा रहा है, दैट इज दिस। एंड देन अगेन फोर्थ स्टेप में आपने क्या लिखा, दिस क्यू वन बी एंड देन अगेन ए, देन अगेन ये क्यूमन ही रहेगा एंड रिमूविंग दिस। नाउ द फोर्थ फिफ्थ स्टेप इज वॉट हियर, क्यूमन ने स्ट्रिंग क्या है हमारे पास, एप्सिलॉन, स्टैक में सिंबल क्या है, ए, तो हमने यहाँ पे ट्रांजिशन क्या दिखाया कि Q2 पहुंचे और Q2 में हमने क्या किया, उसे रिमूव कर दिया A को भी जो एक्स्ट्रा A था। तो दिस इज द फाइनल स्टेट, यू कैन से दैट इज द फाइनल स्टेट, और यू कैन से दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेबल हियर। तो बाय दिस वे यू कैन डू द क्वेश्चन।